हरभजन सिंह अमृतसर से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, सभी पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं। सियासी दल अब उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि टीम इंडिया के सबसे सफल ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को बीजेपी पंजाब के अमृतसर से मैदान में उतारने के बारे में सोच रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार बीजेपी ने हरभजन सिंह को अमृतसर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। हालांकि क्रिकेटर ने अभी चुनाव लड़े या नहीं इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार हरभजन सिंह ने कहा है कि मैंने सियासत में उतरने का कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं अपना मन बना लेता हूं तो चुनाव की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा है। बता दें कि बीजेपी पंजाब में किसी ऐसे सिख व्यक्ति की तलाश में है जो वहां के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। हरभजन सिंह इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। हरभजन भारत की ओर खेलने वाले सबसे बड़े पंजाबी खिलाड़ियों में से एक हैं। अमृतसर के आंकड़े बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अमृतसर सीट से बीजेपी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को मैदान में उतारा था, मगर उन्हें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने हराया था। 2017 पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद अमरिंदर सिंह सूबे के मुख्यमंत्री बने और उपचुनावों में कांग्रेस के ही गुरजीत सिंह औजाल सांसद चुने गए। सिद्धू भी रहे हैं सांसद। 2004 से 2014 इसी सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के सांसद थे। उन्हें 2014 में टिकट नहीं दिया गया था, हालांकि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था, मगर फिर भी वो पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।